हे गाइस, वेलकम बैक टू वी माइंड। सो या गाइस, छोटी सी नॉलेज भरी वीडियो आप लोगों के लिए मेरी तरफ से, तो एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना तो करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो या गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा WWW के बारे में, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में, इंटरनेट के बारे में आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इंटरनेट डिवाइड है तीन पार्ट में, आपको पता नहीं होगा तो समझ लो, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। तो इस वीडियो से मेरा इंटेंशन आप लोगों को कुछ गलत काम सिखाना नहीं है, इस वीडियो से बताना ये है कि आपको नॉलेज होना चाहिए ये सारी चीज़ों का। सो या गाइस, इंटरनेट डिवाइड है तीन पार्ट में, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। तो ये तीन चीज़ों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले समझते हैं सरफेस वेब क्या होता है। समझ लो, आप कंप्यूटर अपना लैपटॉप ओपन किए, अपने क्रोम किए और कुछ भी ब्राउजिंग करना चालू कर दिए, तो उसको बोलते हैं सरफेस वेब। मतलब आप डेली लाइफ में जो मोस्ट ऑफ पीपल इंटरनेट यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं सरफेस वेब। जैसे मैं आपको बता दूँ, जीमेल करना या गूगल सर्च करना, किसी साइट को विजिट करना, वो सारे पार्ट है सरफेस वेब के। और आप इसे किसी भी ब्राउज़र पे कर सकते हैं सरफेस वेब बेसिकली। और पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% है सरफेस वेब जो ज़्यादातर यूज़ होता है, 4% है सिर्फ। और बाकी के जो होते हैं डीप वेब और डार्क वेब, जहाँ पे कुछ हैकिंग एक्टिविटी होती है और इलीगल एक्टिविटी होती है। तो अब समझते डीप वेब और डार्क वेब को। तो डीप वेब और डार्क वेब में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन सिमिलरिटी है, दोनों अलग चीज़ तो है। तो सबसे पहले समझते हैं डीप वेब को। डीप वेब को आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब उसका स्पेशल लिंक किसी के थ्रू मिले आपको। स्पेशल लिंक मतलब जैसे कि गवर्नमेंट की कुछ फाइल्स हो गई, कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा हो गया, FBI की कुछ फाइल्स या डेटा, कंट्री के कुछ एयरफोर्स के जो वेबसाइट होते हैं उनके कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन या कुछ सीक्रेट डेटा वो छुपा के रखते हैं। जैसे साइंटिस्ट लोग अपने वेबसाइट पे कुछ छुपा के रखते हैं डेटा, उसका भी एक लिंक होता रहेगा, उसे आपको देंगे तभी आप उसे एक्सेस कर सकते हो, उसी को बोलते हैं स्पेशल लिंक। तो वो हिस्सा आता है डीप वेब में जो कि कुछ लीगल काम होते हैं और कुछ इलीगल काम होते हैं। मेडिकल के कुछ इन्फॉर्मेशन, हॉस्पिटल के साइट में कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, उसे आप तभी देख सकते हो जब उसका आपको लिंक मिले, तो उसे बोलते हैं डीप वेब, वो हिस्सा होता है डीप वेब का। अब डार्क वेब क्या होता है? डार्क वेब और डीप वेब में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जो अंतर है बहुत ही बड़ा अंतर है। तो डार्क वेब मैं आपको बता दूँ, डार्क वेब मतलब उसको तो आपको लिंक, स्पेशल लिंक की ज़रूरत पड़ेगी उसको एक्सेस करने के लिए डार्क वेब को। साथ ही साथ उसमें आपको एक स्पेशल ब्राउज़र की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो आप नॉर्मल ब्राउजिंग पे नहीं कर सकते, मतलब क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर या किसी भी ब्राउज़र पे आप नहीं कर सकते। उसके लिए एक स्पेशल ब्राउज़र होता है जिसे हम कहते हैं टॉर ब्राउजिंग। आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, देखने आपने नाम सुना तो होगा, तो अच्छी बात है। तो टॉर ब्राउजिंग एक हैकिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अलग अलग VPN के थ्रू हैकर्स बैठे होते हैं और वहाँ पे अनलिमिटेड VPN का ऑप्शन होता है, तो वहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट या FBI उसे बंद नहीं कर सकते। वहाँ पे नई नई हैकिंग स्क्रिप्ट क्रिएट होती रहती है और भर भर के इलीगल काम होते रहते हैं, जैसे ड्रग्स डीलिंग, हर रोज़ नई स्क्रिप्ट क्रिएट होना। सो गाइस, पूरे इंटरनेट पे एक ऐसा डोमेन भी है, जैसा .com हो गया, .org हो गया, .in हो गया, .uk हो गया, एक ऐसा डोमेन है जो सिर्फ आप ओपन कर सकते हो टॉर ब्राउज़र पे, जिसका नाम है .onion। तो ये इसका खुद का पर्सनल डोमेन है जिसे आप टॉर ब्राउज़र पे ही ओपन कर सकते हो। सो कभी इन फ्यूचर आपका मन किया टॉर ब्राउजिंग करने का, टॉर पे कुछ सर्च करने का, कुछ एक्टिविटी करने का, मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप कोई एक्टिविटी करो टॉर ब्राउज़र पे। अगर आपका मन कर दिया तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना कुछ पर्सनल इन्फो मत देना। पर्सनल इन्फॉर्मेशन मतलब आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मत डालना। आपसे पूछेगा कभी कुछ तो कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, तो आप वहाँ पे अपना कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मत देना, अपना जीमेल मत लॉगिन करना। बेसिकली बात करूँ तो अपना खुद का कुछ पर्सनल इन्फो मत देना, क्योंकि ऐसे ऐसे हैकर्स वहाँ पे बैठे होते हैं अलग अलग VPN के थ्रू, उनको मौका चाहिए होता है कि कुछ किसी का पर्सनल इन्फो मिल जाए तो उसे हम हैक कर लेवे। या कुछ टॉर ब्राउजिंग में कुछ इन्वेस्ट करने की मत सोचना कि मैं इन्वेस्ट करूँ तो मुझे उससे फ़ायदा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ करने की मत सोचना, बस एक इन्फॉर्मेशन ले लो। इन फ्यूचर आपसे कोई पूछे कि क्या होता है इंटरनेट में डीप वेब, डार्क वेब, सरफेस वेब, तो उसे आप खुल के बता सको। बस इन्फॉर्मेशन रखो, नॉलेज रखो, बड़ी बात है। सो गाइस, ये थी एकदम छोटी सी नॉलेज भरी वीडियो आप लोगों के लिए। अगर आप डीप वेब, डार्क वेब और सरफेस वेब, बेसिकली इंटरनेट को आप समझने जाओगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और बहुत कुछ है समझने के लिए इसमें। बस मैंने आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है।
इन फ्यूचर मैं इसका दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा, अगर आप वीडियो को सपोर्ट करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे तो मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, अलग अलग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।